वॉट्स अब गाइस प्रणय है फुटबॉल इज अ गिफ्ट दैट जस्ट कीप्स ऑन गंग आज की अगर हम न्यूज की बात करें इन द मॉर्निंग नाइन ए एम मेहर वसावड़ा हु वर्क फॉर इंडियन एक्सप्रेस से एंड आई कोर्ट दिस उन्होंने यह कहा कि लास्ट ईयर फॉर एशियन क्वालिफायर्स इंडियन फुटबॉल टीम वॉज पिक्ड ऑन दी एडवाइस ऑफ एन एस्ट्रॉलॉजर बिफोर ईच मैच कोच इगोस्टिमैक्स शेयर प्लेयर्स बर्थ डेट्स टाइमिंग्स एंड द प्लेस विद द एस्ट्रॉजर हु वॉज पेड अराउंड ट्वेल्व टू फिफ्टीन लैक्स बाय दफ एफ फुटबॉल तो तो फैन लेकिन बिफोर वी जम्प टू द कंक्लूजन यहां पे मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करा है द फर्स्ट इज कोर्स कि जो एलिगेशन लगाए गए हैं उसका क्या मतलब है और जो सेकंड चीज वो ये है इन सभी चीजों के पीछे की टाइमिंग क्योंकि एज बी ऑल से चाहे आप इसका फर्स्ट इंसेंस में आप कैसे भी इसको परसीव करें एशिया कप 2024 सिर्फ तीन महीने दूर है तो इस न्यूज का उससे काफी ज्यादा ही डायरेक्ट इम्पैक्ट होने वाला है वी ऑल नो कि एशिया कप 2024 इंडिया फॉर इंडियन फुटबॉल के लिए बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है इट इज दी हाइस्ट टूर्नामेंट दैट वी गो न प्ले इन द रिसेंट टाइम और इसीलिए जब आप ऐसे एलिगेशन इस टाइम पे आ रहे हैं जब आपका जब इतनी सारी न्यूज चल रही थी कैंप के रिगार्डिंग स्टेमैक को लेकर और आई क्लब्स के बीच में प्लेयर्स रिलीज के बीच में और ए आई के साइड से भी काफी सारी चीजें हो रही थी उसके बीच में ये चीज आना फ्रॉम अ वेरी आई वुड से अन एस्टीम्ड न्यूज ऑर्गेनाइजेशन कॉल इंडियन एक्सप्रेस से वो काफी ज्यादा चीजें कॉम्प्लेक्स करता है और उसका इम्पैक्ट भी हमें काफी ज्यादा सिवियर देखने को मिल सकता है तो लेट स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग तो आज सुबह नौ बजे इंडियन एक्सप्रेस के जर्नलिस्ट मेहर बसाड़ा ने ये ट्वीट किया और ये काफी ज्यादा शॉकिंग चीज थी सभी इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए क्योंकि फर्स्टली डू वी एक्चुअली नीड एन एस्ट्रोलॉजर टू पिक अ टीम फॉर स्टिमैक क्योंकि जितना भी हार्डवर्क इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स ने अपना दिया है टू रीच एट द हाइएस्ट ऑफ लेवल क्या उनका टीम ये के लिए खेलना एक सिलेक्शन सिर्फ उनकी कुंडली के बेसिस पे डिसाइड होगा आई डोंट थिंक सो और बहुत ही ज्यादा सीरियस एलिगेशन है अगर ये सच होते हैं तो और एज एन इंडियन फुटबॉल फैन भी इस एलिगेशन को हमें बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए इसके बाद एक और चीज जो कि काफी सामने आई है वो ये है कि जो लाइनअप पिक करा गया था इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का वो एस्ट्रोलॉजर uh, भूपेश शर्मा के एडवाइस पे पिक करा गया था जो कि कुछ इस तरह से है स्टार्टिंग फ्रॉम द बैक गुरप्रीत सिंह संधु हमारे गोलकीपर थे आकाश मिश्रा अनवर अली संदेश जिंगन और रोशन सिंह हमारे बैक फोर थे उनके आगे सुरेश जैक्सन और अटैक में हमारे पास थे मनवीर सुनील छेत्री लिस्टन गुलाको और आशिक अब अगर आप पहले इंस्टेंस में देखें तो लाइनअप काफी ज्यादा मेरे हिसाब से तो ठीक और सॉलिड ही है लेकिन बेंच पे अगर हम यहाँ पे नजर डालें तो और चार नाम जो कि शॉर्टलिस्ट अगर आप कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी आर्टिकल वो हैं ब्रैंडन फर्नांडिस जो कि लेटर ऑन सुनील छेत्री के सब्सिट्यूट आए थे उदांता सिंह सहाल और ग्लेन मार्टिन अब इसके ऊपर एक और एलिगेशन जो कि काफी ज्यादा लगाया गया है वो ये है कि जो एआईएफएफ है उसने इस लाइनअप को पिक करने के लिए भूपेश शर्मा को पंद्रह लाख रुपए दिए थे अगेन uh, जो कि मेरे हिसाब से काफी ज्यादा सीरियस एलिगेशन है एंड ये बहुत ही ज्यादा उसे डेंजरस भी बनाता है क्योंकि हम सबको पता है ऑलरेडी ऑलरेडी कि के पास फंड्स की हमेशा से ही कमी रहती है और काफी टाइम तो इंडियन फुटबॉल फैंस के बीच में भी डिवाइड रहता है ऑन वेयर टू स्पेंड द लिमिटेड फंड सच होती है तो इमेजिन आप पंद्रह लाख रुपए वो और कहां, -कहां पर स्पेंड कर सकते थे अब यहां पर अगर हम इमीडिएट फैन रिएक्शन की बात करें तो बहुत सारे फैंस ने इमीडिएटली बोला कि यार इगोस्टमैक को सैक करना चाहिए बट आई थिंक बिफोर वी जम्प टू द कंक्लूजन मैं पे कुछ पॉइंट रेज करना चाहता हूं जो कि एक्चुअली में थोड़ा सा फिशी बनाते हैं एंड बिफोर वी मूव द वीडियो फॉरवर्ड मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं और इसको प्लीज एज अ फैक्ट ट्रीट मत करिएगा तो सबसे पहले अगर आप न्यूज फॉलो करते हैं तो रिसेंटली स्टेमैक बहुत ही ज्यादा न्यूज में थे फॉर इज ब्लड एंड आउट स्पोकन व्यूज ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इंडियन फुटबॉल जिसमें से पहली चीज थी अबाउट हैविंग अ लॉन्गर कैम्प फॉर इंडियन फुटबॉल टीम इन द कॉम्पिटिशन चाहे वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हो एशियन कप हो या जो भी कॉम्पिटन हो इगोज स्टमैक मेड इज स्टैंड वेरी क्लियर जितने भी उन्होंने आपने रिसेंट इंटरव्यू देखे होंगे उसमें उन्होंने ये डिमांड करी है कि यार इंडियन फुटबॉल टीम को आप लॉन्गर कैम्प दो अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए और उनका यह कोड भी इस चीज को प्रूव करता है जो कि उन्होंने रिसेंटली 2022 में दिया था कि इफ वी डोंट गेट अप्रूवल फॉर अ लॉन्गर कैंप आई विल नॉट एक्सेप्ट प्लेइंग अगेंस्ट स्ट्रॉगर ओपोनेंट्स बिकॉज आई डोंट हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर वेल आई वुड इंस्टेंट चूज वीकर साइड सो वी कैन मेक श्योर टू मेक आर लाइफ ईजियर और लॉन्गर कैंप्स की डिमांड सिर्फ आज की नहीं है बहुत टाइम से ही इंडियन फुटबॉल फैंस में चलती आ रही है और अगर आप वर्ल्ड वाइड पैटर्न भी देखें तो नेशनल टीम्स जो होती हैं वो टेंटेटिवली लॉन्गर कैंप भी प्रोवाइड करती हैं जब भी कोई वो बड़े कॉम्पिटिशन में होती हैं कोचेस को देने के लिए और इसके रिजल्ट्स भी हमने देखे हैं अगर आप इस साल कॉम्पिटिशन देखे जितने भी इंडिया ने पार्टिसिपेट करे हैं अपार्ट फ्रॉम द रिसेंट परफॉर्मेंस के अलावा तो स्टिमैक को लॉन्गर कैंप दिया गया था और वहां पर इंडिया का रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छा था हाल ही की न्यूज अगर हम देखें तो फिर वहां पर एआईफ और आई क्लब्स के बीच में काफी ज्यादा टसल चल रही थी ऑन रिलीजिंग द प्लेयर फॉर एनी ऑफ द नेशनल मैचेस जो भी है कल्याण चौबी भी इनफैक्ट फ्रंट में आए थे उन्होंने ये भी बोला कि यार लीग को दस दिन डिले करते हैं बट ऑल दिस न्यूज इमीडिएटली uh, इस चीज पे इंडिकेट करती है कि यार कहीं ना कहीं इश्यूज़ बहुत ज्यादा लंबे हैं जहां एक तरफ आईएसएल क्लब्स हुए इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स अंडर हैवी पेइंग कॉन्ट्रैक्ट वो लीग के मैचेस को मिस नहीं कराना चाहते वहीं दूसरी तरफ आती है नेशनल ड्यूटी टू रिप्रेजेंट द नेशन और जो कि किसी भी प्लेयर के लिए सबसे हाइएस्ट ऑनर होता है और यहीं पे मेरा सबसे बड़ा इशू और सबसे बड़ा सवाल आता है कि जो टाइमिंग है इस चीज के होने की वो सबसे ज्यादा खतरनाक है सबसे ज्यादा डेंजरस है इंडियन फुटबॉल के लिए वो भी तब जब सिर्फ और सिर्फ जैसे कि मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में बताया तो आपको पता है कि एशियन कप सिर्फ और सिर्फ तीन महीने दूर है उस टाइम पे आप ऐसी चीजें लीक नहीं कर सकते ऐसी चीजें नहीं हो सकती और इतना सब होने के बावजूद हम सबको समझना पड़ेगा कि इस साल के रिजल्ट्स हमारी अनबीटन होम मैचेस की रन दोनों ही प्लेयर्स और स्टीमैक की वजह से ही आए हैं और यहां पर अगर हम जरा से भी अगर लीनियंसी या फिर किसी भी तरह का एक बैड स्टेप लेते हैं तो ये हमें वापस पांच साल पीछे धकेल देगा इतनी सारी मेहनत पिछले दो तीन साल की इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए वो सभी वेस्ट हो जाएगी और जो कि हमने एक टेम्पलेट देखा है कि इट्स ऑलवेज अबाउट इन वेन यू आर वॉचिंग इंडियन फुटबॉल एक वो यही है कि जो वन स्टेप फॉरवर्ड हम लेते हैं और उसके बाद पांच कदम जो हम पीछे लेते हैं दैट इज वॉट इज किलिंग इंडियन फुटबॉल ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम है एज एन इंडियन फुटबॉल फैन एंड आई होप सभी लोग और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो इसको काफी ज्यादा ही गंभीरता से लेंगे एंड बिफोर आई कंक्लूड एनीथिंग एल्स मैं बस यही सबसे अपील करूंगा कि चाहे आपने इस वीडियो को कैसे भी परसीव कराओ आई नो कि एवरी और जो जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं चाहे जिस हिसाब से, से भी देखें दे ऑल वॉन्ट बेटरमेंट ऑफ इंडियन फुटबॉल तो चाहे वो उसके आप जो भी ओपिनियंस आपके हैं चाहे वो प्रो के लिए हैं या फिर अगेंस्ट के लिए हैं मेक श्योर करें कि आप उस चीज के बारे में काफी ज्यादा वोकल हो जैसे कि आप सोशल मीडिया में रिसेंटली बहुत ज्यादा हैं हम सब तो जितने भी आपके मेक ओपिनियन है वो सारी मिस्टेक्स हम सब रिपीट नहीं करेंगे एंड वी ऑल वॉन्ट इंडियन फुटबॉल तो गाइस जाने से पहले मेक श्योर sure करें कि वीडियो को आप लाइक कर सब्सक्राइब टू टैकल फ्रॉम बिहाइंड एंड बी वोकल अबाउट इट इसी के साथ मैं आपसे लूंगा विदा टेक केयर एंड जय हिंद